फ्रीडम, पैशन और करेज, ये तीन ऐसे मूल मंत्र हैं जो किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले बेहद जरूरी हैं। आप अगर कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं, बड़े एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो ये तीन शब्द आप गांठ बांध लीजिए, क्योंकि अगर ये तीन शब्दों के सहारे आपने एक बार अपने सपने की राह पर चलना शुरू कर दिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा और भी बड़े सारे रीजंस हो सकते हैं कि आप अपना कारोबार शुरू क्यों करना चाहते हैं। किसी ने आपको इंस्पायर कर दिया, कोई आपके साथ घटना ऐसी घट गई कि आपको लगा कि नहीं, अपना बिजनेस ज्यादा सही है। क्योंकि कई लोगों के साथ होता है कि वो नौकरी नहीं करना चाहते, क्योंकि नौकरी किसी के अंडर आपको करनी पड़ती है, आपको उसी के हिसाब से चलना पड़ता है, उसका फायदा नुकसान देखना पड़ता है, छुट्टी के लिए आपको यहाँ वहाँ भागना पड़ता है। तो ऐसे में अपना बिजनेस हर लिहाज में अच्छा होता है, लेकिन अब ये बिजनेस खोला कैसे जाए, आपको स्टार्ट कैसे करना है, कौन कौन सी ऐसी फॉर्मेलिटीज है जिसमें आपको पढ़ना है, उसकी आज हम आपको जानकारी देंगे। मैं यानी कि तमन्ना आपके साथ, ओके क्रेडिट आप देख रहे हैं। अगर आप नई कंपनी खोलना चाहते हैं या फिर नया काम शुरू करना चाहते हैं तो कई सारी ऐसी फॉर्मेलिटीज हैं, कई ऐसी औपचारिकताएं हैं जिनसे आपको गुजरना पड़ सकता है, और इन्हीं चीजों के बारे में आज हम आपको बताएंगे। इसके अलावा हम ये भी बताएंगे कि किस तरह से आप अपनी कंपनी को रजिस्टर करा सकते हैं और किस तरह से ये पूरा प्रोसेस होता है। तो दोस्तों, बिजनेस शुरू करने से पहले सबसे पहले जो आपको बात ध्यान में रखनी है वो ये कि आपको कौन सा बिजनेस सूट करता है। यानी कई लोग होते हैं, कई बार मैंने सुना है लोगों के मुंह से कि भाई मैं ऐसा काम करना चाहता हूँ जो आज तक मार्केट में किसी ने ना किया हो, मैं ऐसी एक चीज लाना चाहता हूँ मार्केट में जो आज तक किसी ने ना कही हो, ना देखी हो, ना सुनी हो। ऐसा सोचना गलत नहीं है, लेकिन याद रखिए इसमें रिस्क भी उतना है। हमारा तो मानना यह है कि आप वो काम शुरू करें जो आपको सूट करे, यानी कि जो आपने देखा हो, भापा हो, समझा हो और आपको उसकी चीजें पता हो, उसके प्रॉफिट्स क्या हैं, उसके लॉस क्या हैं, वो सब आपको जानकारी हो, ताकि लॉस का जो स्कोप है वो मिनिमम हो जाए। ऐसे में आपको जो भी बिजनेस शुरू करना है उसकी मार्केट वैल्यू पता होनी चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है उसकी वो पता होनी चाहिए, और इन सबसे ऊपर आपको अपने बजट का भी ख्याल रखना है कि आपका बजट कितना है और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और आप क्या करना चाहते हैं। वैसे आजकल तमाम ऐसी पॉलिसीज हैं, आजकल तमाम ऐसे स्कीम्स हैं जो सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए, ताकि वो लोन आसानी से ले सके। इसके बाद सवाल उठता है कि आखिरकार बिजनेस को रजिस्टर कैसे करवाया जाए। अब बिजनेस रजिस्टर कराने के भी अलग अलग तरीके हैं दोस्तों। यूं तो बिजनेस स्टार्ट करने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे आसान और सबसे पुराना तरीका हम कहेंगे वो ये है, सोल प्रोपराइटरशिप। अब वो क्या है, वो ये है कि इसमें प्रॉफिट और लॉस जो भी है वो आपका होगा। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें बिजनेस के ओनर आप खुद ही हैं। बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस होगा वो आपका खुद का होगा। बहुत सारे स्मॉल बिजनेस ओनर इसको यूज करते हैं, जैसे कि किराना स्टोर वाले। अगर आप भी अपनी छोटी मोटी दुकान खोलना चाहते हैं तो आप अपने बिजनेस को एज अ प्रोपराइटरशिप रजिस्टर करवाएंगे। बस एक बात का ध्यान रखना है कि बिजनेस में 4 से ज्यादा लोग काम ना करते हों। इस प्रोपराइटरशिप के कई सारे फायदे हैं, और सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें सरकारी रजिस्ट्रेशंस बहुत कम है, यानी कि आपकी माथापच्ची बहुत कम है। अपने बिजनेस को एज अ प्रोपराइटरशिप रजिस्टर करवाने के लिए आपको लोकल अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा। अगर आप शहर में रहते हैं तो आपको म्यूनिसिपैलिटी के पास जाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप गांव में रहते हैं तो ग्राम पंचायत के पास जाना पड़ेगा। आपको बता दें कि इसका रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए 1,000 रुपए लगते हैं और साथ ही 1 से 2 दिन का समय लगता है। और दोस्तों, अगर आप खुद को कंपनी के प्रॉफिट और लॉस से अलग रखना चाहते हैं तो इसके भी कई तरीके हैं। इसका एक तरीका है ओपीसी, यानी वन पर्सन कंपनी। ये एक तरीका है बिजनेस रजिस्टर करने का जिसमें आप खुद जिम्मेदार नहीं हैं। अगर आपकी कंपनी में कोई नुकसान होता है, तब मान लीजिए किसी ने लोन लिया है और उसकी कंपनी डूब गई है, तो ऐसे में बैंक आपके घर की नीलामी नहीं कर सकती। महत्वपूर्ण बात यह है कि वन पर्सन कंपनी में आपको अपनी कंपनी का डायरेक्टर भी बनना पड़ेगा और शेयर होल्डर भी। उसका रजिस्ट्रेशन कॉस्ट अप्रोक्स 6,000 रुपए है और इसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने में 5 से 10 दिन का समय लगता है। दूसरा तरीका है प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रजिस्टर कराने का, यानी कि इसमें आपको 2 डायरेक्टर चाहिए और 2 शेयर होल्डर चाहिए। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपको बैंक से लोन आसानी से मिल जाता है। कंपनी को एज अ प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर करवाना काफी सही होता है।
कंपनी के नाम के आगे प्राइवेट लग जाने से कंपनी पर आपके कस्टमर्स, बैंक और इन्वेस्टर सभी आसानी से भरोसा कर लेते हैं। ऐसे में आपको फंड के लिए इन्वेस्टर मिलना थोड़ा आसान हो जाता है। अब क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सबसे भरोसेमंद और सबसे ऑथेंटिक माना जाता है उसका रजिस्ट्रेशन, तो ऐसे में गवर्नमेंट की तरफ से जो रजिस्ट्रेशन की रेगुलेशंस हैं वो बढ़ जाती हैं। तो चलिए, आज का आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, आप हमारे को कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका उत्तर जरूर देंगे। इसके अलावा आप सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को, और बेल आइकॉन बटन बिना दबाए मत जाइएगा, क्योंकि इसके द्वारा आप तक हमारा पहला वीडियो जल्द से जल्द पहुंचेगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।